हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें मैं 25 प्रश्न लेके आता हूँ, का 15वां वीडियो है। इससे पहले हमारे द्वारा 14 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेके आता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और जितना हो सके आंसर करें, क्योंकि हमारा जो भी वीडियो आता है वह MCQ बेस्ड ही आता है, ताकि आप भी हमारे साथ आंसर कर सकें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो आज का वीडियो मैं शुरू करता हूं। आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। 13 ईटा इटाई बीमारी के लिए कौन सी धातु जिम्मेदार है? तो कौन सी धातु जिम्मेदार है? तो यह धातु का नाम है कैडमियम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और इससे रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पे मैंने लिखी है, वो ये कि कैडमियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक CD और परमाणु संख्या 48 होता है। ये आप याद रखेंगे, कैडमियम का प्रतीक चिन्ह होता है CD और परमाणु संख्या 48। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। डिप्थीरिया एक संक्रमण बीमारी है जिसका कारण है, यह किस कारण होता है, ये आपको बताना है। डिप्थीरिया रोग, तो यह होता है जीवाणु के कारण, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और इससे रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पर मैंने लिखा है, वो यह कि डिप्थीरिया एक संक्रमण रोग है जो जीवाणु कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होता है। याद रखेंगे, कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होता है, डिप्थीरिया रोग होता है, ठीक। और यह मुख्य रूप से गले और ऊपरी वायुमार्ग को संक्रमित करता है और अन्य अंगों को प्रभावित करने वाले विष का उत्पादन करता है। ये आप याद रखेंगे, डिप्थीरिया रोग किस जीवाणु के कारण होता है? कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। सरल आवर्त गति करते एक कण का त्वरण माध्य स्थिति में होता है, मध्य स्थिति में क्या होगा, यह आपको बताना है। सरल आवर्त गति करते एक कण का त्वरण, तो वह क्या होता है? अधिकतम होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। आदर्श गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, यहाँ इलेक्ट्रॉन बंधुता पूछी जा रही है आदर्श गैस की, तो आदर्श गैस की इलेक्ट्रॉन बंधुता कितनी होती है? यह होती है लगभग 0, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और इससे रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पे मैंने लिखा है, वो यह कि आदर्श गैसों में पूर्ण इलेक्ट्रॉन जो है 8 होते हैं, इसलिए उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता 0 होती है। ये आप याद रखेंगे, आदर्श गैसों में पूर्ण इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सही नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो वह कौन सा सही नहीं है? प्रकाश ध्वनि से अधिक चाल से यात्रा करता है, प्रकाश निर्वात से होकर नहीं गुजर सकता है, प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो कौन सही नहीं है? तो यह प्रकाश निर्वात से होकर नहीं गुजर सकता, यह सही नहीं है, बाकी जो है सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न से जाने की ओर से पहले कुछ बातें यहाँ पर मैंने लिखा है, वो यह कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है और यह निर्वात से गुजर सकती है, ये आप याद रखेंगे, प्रकाश निर्वात से भी गुजर सकती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? यहाँ परिसंचरण तंत्र की खोज के बारे में पूछा जा रहा है, तो यह किन्होंने खोजा था? यह खोजा था विलियम हार्वे ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और इससे रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पर मैंने लिखा है, वो यह कि संचार प्रणाली रक्तवाहिका और हृदय से मिलकर बना एक नेटवर्क है, ये आप याद रखेंगे, संचार प्रणाली रक्तवाहिका और हृदय से मिलकर बना एक नेटवर्क है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ कौन सा कथन सही नहीं है? तो कूलम्ब बल और गुरुत्वाकर्षण बल एक ही व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षक होता है, कूलम्ब बल आकर्षण और प्रतिकर्षण हो सकता है, गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण और प्रतिकर्षण हो सकता है। तो यह ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे यह सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। और इससे रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पे मैंने लिखा है, वो यह कि गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षक होता है, ये आप याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8।
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? यहाँ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात कही जा रही है, तो यह है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और इससे रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र MgOH2 है, OH2 है, याद रखेंगे आप MgOH2। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। सेब में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? यहाँ सेब की बात कही जा रही है, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें मेलिक एसिड पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे फॉर्मिक एसिड किसमें पाया जाता है, ये आज का हमारा पहला प्रश्न है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि फॉर्मिक एसिड किसमें पाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर जानने से पहले, मेलिक एसिड एक कार्बनिक यौगिक है जिसका आणविक सूत्र CH4H6O5 होता है, ये आप याद रखेंगे। मैलिक एसिड का एक कार्बनिक यौगिक है जिसका आणविक सूत्र होता है CH4H6O5। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। ध्वनि के दो स्रोत का अनुनाद में कहा जाता है, क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। ध्वनि के दो स्रोत को अनुनाद में क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है वे एक ही आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और इससे रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पे मैंने लिखा है, वो यह कि अनुनाद की घटना यांत्रिक ध्वनि और विद्युत चुंबकीय तरंग फलनों के साथ हो सकती है। अनुनाद की घटना किसमें होती है? तो यांत्रिक और ध्वनि विद्युत चुंबकीय तरंगों के फलनों के साथ हो सकती है, ये आप याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। विरामा अवस्था में स्थित एक कण अचानक समान द्रव्यमान के दो कणों के में विघटित हो जाता है जो गतिमान होने लगते हैं, दोनों टुकड़े क्या होंगे ये आपको बताना है। तो वे दोनों टुकड़े क्या होते हैं? वे दोनों टुकड़े समान वेग के साथ विपरीत दिशाओं में जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रिक चार्ज के मूल गुण हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज के मूल गुण कौन हैं? तो ये हैं उपरोक्त सभी, क्वांटीकरण, योग्यात्मक और संरचन, ये तीनों, यानी कि ये सभी इसके आंसर हो जाएंगे। और इससे रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पे मैंने लिखा है, वो यह कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। आवेश का SI मात्रक क्या है? तो कूलाम। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि आवेश कौन सी राशि है, यह कौन सी राशि है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये आज का हमारा दूसरा प्रश्न है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। गेंद को पकड़ने के दौरान एक खिलाड़ी अपने हाथों को नीचे की ओर क्या कम करने के लिए खींचता है? तो क्या कम करने के लिए खींचता है? यह संवेग कम करने के लिए खींचता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और इससे रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि यदि कोई वस्तु गति कर रही है यानी आगे बढ़ने पर, तो उसमें संवेग होता है, याद रखेंगे। यदि कोई वस्तु गति करती है आगे की ओर तो उसमें संवेग होता है। संवेग को गतिशील द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ये भी आप याद रखेंगे। गतिशील द्रव्यमान को संवेग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। कित में से कौन सी गैस शीतल पेय पदार्थों में दबाव में मौजूद रहती है? तो वह कौन सी गैस है जो शीतल पेय पदार्थों में दबाव में मौजूद रहती है? उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और इससे रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पे मैंने लिखा है, वो यह कि कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन दो ऑक्सीजन परमाणुओं से बना एक रासायनिक यौगिक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना है, तो यह बना है एक कार्बन और दो ऑक्सीजन परमाणुओं से बना एक रासायनिक यौगिक है, और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के रूप में कार्य करता है, ये भी आप याद रखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के रूप में भी कार्य करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को ठोस अवस्था में इसे शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को, ये भी आप याद रखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण बातें ये सब हैं, आप नोट जरूर करते चलें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। रेलवे की पटरियों को मोड़ पर झुका दिया जाता है ताकि, क्यों झुका दिया जाता है ये आपको बताना है। तो इसलिए झुका दिया जाता है क्योंकि
पृथ्वी द्वारा प्रदान की गई प्रतिक्रिया के 36 घटक से आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त किया जा सके। ये यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। सूर्य में उपस्थित मुख्य गैस कौन सी है? तो सूर्य में उपस्थित मुख्य गैस कौन सी है? तो यह है हाइड्रोजन और हीलियम। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और इससे रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि सूर्य का लगभग 92% भाग हाइड्रोजन और लगभग 7.8% भाग हीलियम से मिलकर बना है। याद रखिएगा कितना परसेंट, 7.8% हीलियम है और हाइड्रोजन 92%, और जबकि अन्य तत्व लगभग 0.1% है। ये आप याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। जब पानी की दी गई मात्रा को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाएगा तो इसका आयतन क्या होता है? तो इसका आयतन क्या होता है? तो यह बढ़ेगा, यानी कि पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। और इससे रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पर मैंने लिखा हुआ यह कि जब आप पानी को गर्म करना शुरू करेंगे तो तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा और इसका आयतन जब 4 डिग्री सेल्सियस तक घटेगा और इस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा और उसके बाद तापमान बढ़ने पर फिर से आयतन बढ़ने लगता है और घनत्व कम होता है। ये आप नोट कर लेंगे, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 4 डिग्री तक जब भी जाएगा ना तो उसका आयतन जो है घटता है और उसके बाद 4 डिग्री के बाद वो बढ़ने लगता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रदूषक नहीं है? तो वह कौन सी धातु प्रदूषक नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एल्युमिनियम। यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और इससे रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि प्रदूषक धातु के कुछ उदाहरण हैं कैडमियम, पारा, सीसा और आर्सेनिक। याद रखेंगे प्रदूषक धातु के कौन से उदाहरण हैं? कैडमियम, पारा, सीसा और आर्सेनिक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? तो यह किसका अध्ययन है? कैंसर के ट्यूमर का। यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन फाइबर है? कौन सा प्रोटीन फाइबर है? तो वह है रेशम। यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और इससे रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पर मैंने लिखा है, वो यह कि प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर ऊन, बाल, फर और रेशम शामिल है। ये आप याद रखेंगे। प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर कौन कौन है? तो ऊन, बाल, फर और रेशम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक किसके द्वारा पहुंचता है? तो सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक किसके द्वारा पहुंचता है? तो यह पहुंचता है विकिरण के द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो यहाँ दालचीनी की बात कही जा रही है, तो यह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो यह छाल से प्राप्त की जाती है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और इससे रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि दालचीनी जीनस सिनामोमम की कई पेड़ प्रजातियों की आंतरिक छाल से प्राप्त एक मसाला है। याद रखिएगा दालचीनी जो है जीनस सिनामोमम की पेड़ की छाल से प्राप्त की जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब को देखना संभव हो पाता है जब प्रकाश की किरण गुजरती है? कब गुजरती है, किस तरह गुजरती है? तो पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब को देखना संभव हो पाता है, तो वह होता है कांच से जब जल में जाता है तो। यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और इससे रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब होती है जब आपतित कोण क्रांति कोण से अधिक होता है। ये आप याद रखेंगे, कभी भी आपतित कोण क्रांति कोण से अधिक होगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि है? यहाँ मूल राशि की बात कही जा रही है, तो
वह मूल राशि कौन सी है? तो समय, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और इससे रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि 7 मूलभूत भौतिक राशियाँ हैं जो भौतिक मौलिक इकाइयाँ में मापी जाती है, वह कौन कौन है? तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत प्रवाह, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। ये 7 मूलभूत इकाइयाँ हैं, राशियाँ हैं, ये आप याद कर लेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। यदि 2 चुंबकीय ध्रुवों के बीच की दूरी दोगुनी और उनकी ध्रुवीय तीव्रता भी दोगुनी कर दी जाती है तो उनके बीच बल बीच का बल होगा, क्या होगा? तो यह अपरिवर्तित रहता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसके सारे प्रश्न का आंसर आपने दिया होगा। यदि आपने प्रश्न का आंसर दिया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।